हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप भी देख सकते हैं, चीनी पीछे बैठी है, अपना ऑनलाइन क्लास कर रही है वो। एंड मैं तो रेडी हो गई हूँ नहा के, बट मैं ऐसे लग रही हूँ कि नहा ही नहीं हूँ जैसा, क्योंकि गंदी पड़ी हुई हूँ मैं, कॉम वगैरह कुछ नहीं की हूँ। एंड चीनी एंड चीको दोनों नहा ही नहीं है, क्योंकि आज कहीं जाना है हम लोग को, किसी की लाइक न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके पार्टी है उनके यहाँ, वहाँ जाएंगे हम लोग। एंड मम्मी पापा नहीं जा रहे, बस हम लोग जा रहे हैं। एंड चीनी एंड चीकू दोनों नहाए नहीं है, तो दोनों को अभी नहलाऊंगी और सीधा डायरेक्ट रेडी करूँगी उन लोग को न्यू कपड़े पहना के, इसीलिए मैं पहले नहीं नहलाई उन लोग को। अभी 11 हो गए हैं, 11:30 हो गया है, बट नहाए नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों को एक साथ ही रेडी कर दूंगी मैं। एंड मैं दिखाती हूँ क्या पहनने वाली हूँ। एंड आप देख सकते हैं मेरे रूम में की हालत, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो कपड़े मेरे रूम में ही पड़े हैं क्योंकि यहाँ का फ़ैन ऑन रहता है। एंड मैं ये पहनने वाली हूँ, एक ग्रीन कलर का बहुत प्यारा एथनिक टाइप का गाउन है, ये बहुत सुंदर लगता है। एंड मैंने इसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह निकाली है, वॉच पहनूंगी मैं, वॉच निकाली हूँ। एंड बच्चों के कपड़े निकालूंगी मैं, दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक। बट एंड अभी बस थोड़ा सा मैं अपने बालों को स्ट्रेट, आप देख सकते हैं मेरे बालों की हालत कितनी गंदी है, वॉश्ड हेयर है मेरे बट कितने गंदे लग रहे हैं, तो मैं इसे स्ट्रेट करूँगी। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों को कैसे स्ट्रेट करती हूँ। एंड ये मेरी बचपन की सुपर टैलेंट है। ओके, अभी तो मैं खेलता हूँ इससे ना, जल्दी जल्दी खेलने के आता है मुझे। ये आपके बचपन की है, तो अभी तो आप बहुत बड़े हो गए हो ना, अभी तो आप दादा बन गए हो। आप ही बोल रहे हो ये तो मेरे बचपन की है। चलो देखो इसमें क्या बना है, एलिफ एनिमल्स, डॉल्फिन फिश, ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड टर्टल बना है। ओके, वेरी नाइस। देखो ये डॉल्फिन, ये है फिश, ये है ऑक्टोपस, ये है स्टारफिश और ये है टर्टल। ओके, तो मैं अपने बालों को पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ, एंड उसके बाद बच्चों को नहला के रेडी करूँगी। तो मैं हो सकता है अपने बालों की स्ट्रेटनिंग वाली प्रोसेस इसी वीडियो पे डाल दूँ, या फिर मैं अलग से भी डाल सकती हूँ। एंड आप ये देख सकते हैं पीछे ये रखा है आजियो का पार्सल, तो इसका मेरे को हॉल बनाना है, ये मैं इसके बाद शेयर करूँगी आप लोगों से। तो बस यही है, मैं रेडी, और आप देखेंगे मेरे साथ गेट रेडी विथ मी मैं कैसे अभी रेडी हो रही हूँ, वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोग से। तो बस देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलो अपना बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड रेडी हो जाती हूँ मैं। सो गाइज, एज़ यू कैन सी मैंने अपना ड्रेस पहन लिया, एंड वॉच मैंने नॉर्मल लोकल मार्केट से लिया था वो पहना है, थोड़े से वाइट टोन में है। एंड मेरे गोल्ड के दूसरे बैंगल्स हैं मेरे पास, लाइक गोल्ड का है ओरिजिनल गोल्ड, एंड उसमें थोड़े से स्टोन लगे हुए हैं, एंड कोई प्रीशियस स्टोन लगा है, आई थिंक माणिक का है ये, तो ये रियल गोल्ड का बैंगल्स है मेरे, उस पर पहने हैं मैंने। एंड आप देखिए फेस पे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस नॉर्मल सा फेस वॉश करने के बाद मैंने लाइक लाइट मॉइस्चराइज़र एंड पॉन्ड्स का मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ, वही मैंने अप्लाई किया फेस पे। प्राइमर वगैरह कुछ नहीं किया लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है एंड लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। एंड फिर उसके बाद मैंने लिप्स पे नॉर्मल वैसलिन जो मैं लगाती हूँ उसे लगा के मॉइस्चराइज कर लिया है। एंड उसके बाद आपने जैसे देखा मैंने लैक्मे का फेस पाउडर जो है कॉम्पैक्ट वो लगाया,
नॉर्मल कुछ भी बेस के लिए मैंने नहीं लगाया, सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया क्योंकि फिर लाउड लगता है मेकअप। लाइक मेरी थोड़ी सी फेयर स्किन है एंड क्लीन भी है स्किन, टचुड, तो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ती फाउंडेशन एंड कंसीलर की। कंसीलर मैं कई बार लगा लेती हूँ लाइक थोड़े से डार्क सर्कल्स जब दिखते हैं, बट आज मैंने नहीं लगाया है। एंड ये डे टाइम का मेकअप है तो बहुत लाउड नहीं कर रही मैं। एंड अभी आप देख रहे हैं मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, तो आईलाइनर मैंने लिया है लैकमे इंस्टा का आईलाइनर, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, यही आईलाइनर यूज़ करती हूँ मैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, लाइक अच्छा लगता है, इसका जो टिप है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक पॉइंटेड है, तो अच्छा है ये आईलाइनर, अफोर्डेबल भी है, तो इसी को यूज़ करती हूँ मैं। एंड नॉर्मल छोटा सा विंग आईलाइनर लगाया है मैंने, बहुत लाउड नहीं लगाया। एंड आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है उसका मैं वीडियो सेपरेट एक अलग से डाल दूँगी, इसीलिए मैं इसमें इतने डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ, लाइक बहुत प्रिसाइजली नहीं बता रही। तो नॉर्मल छोटा सा विंग आईलाइनर लगाया था मैंने, बहुत बोल्ड भी नहीं लगाया, मीडियम लगाया था। एंड बस यही है, आई शेडो वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने, बट लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मेरी आई ब्लैंक लग रही है, तो हल्का सा शिमर का लाइक हल्का सा लगा लिया था ताकि थोड़ा सा कलर दिखे मेरे आईलिड पे, लाइक वो ब्लैंक नहीं लगे। बट अगर आपको आई शेडो लगाना है तो आप पहले आई शेडो लगाएं, देन उसके बाद आईलाइनर का प्रोसेस करें। एंड अभी आप देखिए, जैसे मैंने अभी आईलाइनर के बाद काजल लगा रही हूँ मैं, तो काजल के लिए मैंने लिया है NYB का बिग एप्पल ऑफ माय आईज़ काजल। एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये काजल बहुत अच्छा है, लाइक अफोर्डेबल तो है ही और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड जेट ब्लैक कलर है एंड बहुत ही बोल्ड एंड अच्छा काजल लग जाता है लाइक वन स्वाइप में ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला काजल। एंड आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो SQ का काजल भी बहुत अच्छा होता है, लाइक आई लव यू 2 काजल जो है वो अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं यही काजल यूज़ करती हूँ, बट मंगाऊँगी मैं उसे भी, बहुत अच्छा काजल है वो भी। एंड मैं थोड़ा सा लाइक अफोर्डेबल बिगनर्स के लिए मेकअप किट भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप उसे भी देखते रहिएगा। एंड लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो उसे भी चेकआउट करिएगा, मैं आई बटन पे डाल दूँगी उसे। बहुत ही इजी एंड एवरीडे लुक शेयर किया था मैंने। एंड जैसे कि आपने इसमें देखा कि मैंने काजल पेंसिल को ही थोड़ा सा आईब्रो पे अपना रन कर लिया, तो ये एक हैक है, लाइक अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप, अगर आपकी डार्क कलर की आईब्रो है तो आप यूज़ कर सकते हैं काजल पेंसिल को भी आईब्रो फिल करने के लिए, बट एकदम लाइट हैंडेड करना है। तो मैं जस्ट जहाँ पे लाइक लोअर एंड पे आईब्रो मेरी थोड़ी सी मुझे फीलिंग की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हल्का सा मैंने काजल को एक या दो लाइक उसके स्ट्रोक्स की, एंड उसके बाद उसे अच्छी तरह से मर्ज कर दूँगी मैं फ्लैट ब्रश से एक, और काजल को भी मैंने स्मज आउट किया था थोड़ा सा, शायद वो क्लिप इसमें मिस हो गई है मेरे से, बट स्मज आउट करती हूँ मैं, उससे क्या है वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है काजल, एंड स्मोकी टाइप इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड इसमें अभी जैसे आपने देखा मैं ये शिवाना कलर्स के सिमर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, तो मैंने इसे अपने हायर पॉइंट्स पर लगा लिया, जैसे आपने देखा चिक बोन्स एंड नोज़ के टिप पे थोड़ा सा, एंड फोरहेड पे थोड़ा सा चिन पे, एंड उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, लाइक वो पैची नहीं लगना चाहिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं आईब्रो आर्च पे भी लगाया, एंड बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। एंड अभी मेरे पास एक लोकल मार्केट से मैंने लिया था लाइक पर्ल, गोल्डन पर्ल की एक बिंदी है, उसे मैंने लगाया। लाइक आप मेरे जैसे देख सकते हैं मेरे ड्रेस पे थोड़ा गोटा पत्ती का वर्क है, तो ना ये बहुत ज़्यादा गोल्डन है ना बहुत ज़्यादा सिल्वर है, बट ये वाली बिंदी इस पर परफेक्टली जा रही थी। एंड डे टाइम का फंक्शन था तो मैंने स्टोन वाला यूज़ नहीं किया, पर्ल वाला यूज़ किया है, बहुत प्यारी बिंदी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोकल मार्केट से लिया था मैंने। एंड अभी आप देख सकते हैं मैं लिपस्टिक के लिए ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफ़र लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड मैं मेंशन कर दूँगी। एंड अभी आप देख सकते हैं इसका फूशिया पिंक कलर है, बहुत प्यारा शेड है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली लिपस्टिक और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अभी आप देखिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं आईलैशेस पे, तो मैं मेबलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरे थोड़े से ग्रे हेयर लग रहे थे सामने से, तो ये एक है कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने हेयर लाइन पे जो वाइट बल्ब लग रहे थे उसमें थोड़े से मस्कारा ही अप्लाई कर लिए थे। एंड अगेन मैं कॉम कर रही हूँ, कॉम के लिए फिर उसके बाद मैंने सिर्फ नॉर्मल हाफ पफ बनाया था जैसे आप देख सकते हैं। एंड ये है कुछ क्लिक्स पिक्स जो मैंने क्लिक करी थी, ये मेरा फुल लुक। एंड
देखिए अब फेस मेकअप बहुत लाइट है बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये चीनी का भी मैंने कुछ पिक्चर्स लिए थे। चीनी का ये ड्रेस मिंत्रा से है, बहुत प्यारा ड्रेस है। एंड उसकी हेयर स्टाइल मैंने कुछ ऐसे बनाई थी, लाइक ट्विस्ट करके दोनों साइड से बालों को क्लिप्स लगाए। हेलो हेलो, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं तैयार होकर। हाँ, और अभी 2 बज रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसी के यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आया है तो उसे देखने जा रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी, उनके यहाँ पार्टी है तो हम लोग बोलते हैं जलवा जलवा पार्टी। तो बस वहीं जा रहे हैं, हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं हम लोग, मैंने कुछ ऐसा सच मेकअप नहीं किया, लाइक लाउड मेकअप नहीं किया, एकदम सिंपल। एंड हेयर स्टाइल भी मैंने सिंपल रखी है, मेरे को सिर्फ ये लाइक हाफ टाइप का पफ बनाना पसंद है तो मैंने वैसे ही बनाया है। चीनी जी को मास्क पहने हैं, मैं भी अभी मास्क पहनूंगी। एंड बस ये इयर रिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी, पनाश की है शायद ये। तो पनाश क्या होता है, ब्रांड का नाम है। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये, एंड लाइक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। ब्रांड क्या होता है? कंपनी बेटा, ब्रांड। अच्छा, हाँ। एक बार बात कर ले। हाँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट में, लाइक आप जैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में है ये। एंड कुंदन लगे हुए हैं उसमें, तो थोड़ा सा एथनिक टाइप का अटायर है ये। एंड फंक्शन भी एथनिक बोले तो थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर टाइप है। एंड अभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग करनी नहीं है, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा एथनिक टाइप का लुक किया है। एंड जलवा फंक्शन जो रहता है मेनली पूजा का ही रहता है, बट अभी लंच पे जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए बस ऐसा गेटअप किया है। एंड बस ठीक है, बहुत लाउड मेकअप तो किया नहीं है, बहुत हम्स है यहाँ पे। एंड बहुत लाउड मेकअप तो किया नहीं है बट एकदम सिंपल रखा है, बेस पे तो कुछ लगाया ही नहीं है। थोड़े से डार्क सर्कल दिख रहे हैं मुझे, कंसीलर लगाना चाहिए था बट फिर लाउड लगता मेकअप, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके है मेरे लिए, तो मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी नहीं है, तो मुझे कंसीलर फाउंडेशन ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ठीक है। एंड जैसे आप देख सकते हैं हम लोग कार पे ही बैठे हैं, अभी बस पहुँचेंगे, 10-15 मिनट्स लग जाएंगे, किसी होटल पे है। तो देखती हूँ मैं वहाँ पे, अगर व्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही थी। बस पहुँच जाते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। एंड मैंने अपना हेयर स्ट्रेट नहीं किया था तो कर्ली लग रहे हैं इसलिए, एंड वहाँ पे पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट नहीं किया। वेलकम बैक। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी रेडी लग रही हूँ आप लोग को, तो मैंने जो मेकअप लुक डाला था गेट रेडी विथ मी, तो वही हम लोग एक ओकेजन पे गए थे, देन बस रिटर्न आए हैं। एंड आप देख सकते हैं पीछे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, एंड मैं बस अपना मेकअप रिमूव करने बैठी थी। तो सबसे पहले तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाई हुई हैं, ये बॉस कैन लॉन्ग की है मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेस। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हो तो आपको पता होगा मैं कॉन्टैक्ट लाइक मैं स्पेक्स पहनती हूँ, तो कॉन्टैक्ट लेंसेस इसलिए पहने थे मैंने। पहले उसको निकाल लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक का शेड, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला शेड, ये है आई थिंक ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर वाली जो है लिक्विड लिपस्टिक, वो है, बहुत अच्छा शेड है। फूसिया पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो सबसे पहले तो मैं लिपस्टिक को ही निकालूंगी। एंड लिक्विड लिपस्टिक इतनी अच्छी से इजीली निकलती नहीं है, तो फिर मैं तो कोकोनट ऑयल से निकालती हूँ, नॉर्मल कोकोनट ऑयल।
बहुत वेयर लग रहा है मेरा फेस, अभी मंकी टाइप लग रहा है। मैं ये वाला लूंगी मेकअप रिमूवर, लाइक क्लिंजिंग मिल गई आयुर हर्बल का। आप कोई भी मिसेलेनर वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं, गार्नियर का बहुत अच्छा होता है, मैंने यूज़ किया है, बट मैं जनरली इसी को यूज़ करती हूँ। एंड आप मेरी लिपस्टिक का लाइक वो इतना ज़्यादा स्टेइंग पावर है इसका, आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी बार रिमूव किया फिर भी वो रिमूव नहीं हो रहा है। एंड लाइक लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैं लगाई थी 12 बजे दोपहर को आफ्टरनून पे, बट अभी हो रहे हैं इवनिंग के 6 एंड अभी तक नहीं निकला है वो, एज इट इज़ था। अब आई मेकअप को रिमूव कर लेते हैं। काजल एंड मस्कारा एंड आईलाइनर सब अच्छी तरह से निकल गए हैं।
बाद फेस वॉश कर लें तो एकदम प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से क्लीन हो गया। मैं फिर भी एक बार क्लींजिंग मिल्क से अच्छी तरह से करूँगी। लाइक मेकअप रहना नहीं चाहिए फेस पे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो, से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। एंड मेकअप रिमूव करने के लिए मिसलेनियर वाटर यूज़ करते हैं, कर सकते हैं आप, जैसे गार्नियर का मैंने बताया आपको। एंड आप चाहे तो वेट वाइप्स जो रहते हैं उससे भी रिमूव कर सकते हैं, उससे भी इजीली रिमूव हो जाता है। एंड कोकोनट ऑयल तो बेस्ट लगता है मुझे, लाइक वाटर प्रूफ मेकअप जो रहता है उसे रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड लाइक उससे स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज भी हो जाती है, तो कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ करती हूँ मैं, वही बता रही थी आप लोगों को इसलिए यूज़ करके। एंड ड्रेस की बात अगर करें तो मेरा ड्रेस ये लोकल बुटीक से मैंने लिया है, मेरी सिटी के ही, तो बहुत प्यारा ड्रेस है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑनलाइन तो ऐसे ड्रेसेस मिलते नहीं हैं एंड क्वालिटी में तो लाइक सुपर्ब है, और थोड़ा कॉस्टली भी है ये। और बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किए थे क्योंकि लाइक टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे मेरे, तो मेरे कर्ली हेयर ही थे, वही मैं पहले भी बताई। जैसे नाउ यू कैन सी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया, एकदम फ्रेश फील होता है लाइक मेकअप रिमूव करने के बाद। मैं एक बार फेस वॉश करके भी आऊँगी, देन एकदम रिलैक्स फील होगा मुझे। आप देख सकते हैं मैं अपने अवतार में आ गई हूँ, लाइक मैं हेयर भी कॉम नहीं किया था मैंने, तो प्रॉपर हेयर कॉम करके, ऑयलिंग तो नहीं करी है, बहुत चिपको चिपको लग रहे हैं क्योंकि पसीना आया था मुझे बहुत, तो बाल थोड़े गीले टाइप के हो गए हैं। एंड फेस वॉश किया तो अब देखो मेरे पूरा मेकअप अच्छी तरह से निकल गया, बिल्कुल मेकअप नहीं है मेरे फेस पे, आई मेकअप देखो, काजल वगैरह कुछ नहीं है, पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया। एंड फेस वॉश किया मैंने, मैं हिमालय नेम फेस वॉश यूज़ करती हूँ शुरू से, लाइक मुझे उसे यूज़ करते हुए 15 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, यस 15 ईयर्स हो गए होंगे, तो लाइक मैं अपने टीनेज से ही उसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी सूट भी करता है, अच्छा भी लगता है मुझे, तो मैं दूसरा फेस वॉश तो ट्राई करने का भी नहीं सोचती। एंड मुझे ये लाइक आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस फेस वॉश। एंड उसके बाद फिर बिंदी वगैरह लगा के अब देखो मैं एकदम अवतार में आ गई अपने। एंड जितना मैस फैला हुआ है सबको मैंने क्लीन करूँगी, अभी करा नहीं है, देखो अब पड़ा हुआ है वहीं पे, आप देख सकते हैं। एंड हाथों में मैंने बैंगल नहीं पहना, अभी पहनूंगी जो मैं कड़े पहनती हूँ वही। एंड व्हाट और यस, फेस वॉश करने के बाद मैंने फेस पे हल्का सा मॉइस्चराइजर ये वाला ही लगाती हूँ मैं, पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर ये लगाई एंड नॉर्मल वेस्टर्न लगा ली लिप्स पे, बस हो गया मेरा नॉर्मल सा स्किन केयर। एंड अभी जाऊंगी मैं डिनर प्रिपेयर करने, सब मैश को उठा के रखती हूँ पहले, उसके बाद। तो गाइज आपको ये गेट रेडी विथ मी एंड गेट अनरेडी विथ मी वीडियो कैसा लगा तब बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।